16 का सी, 17 का सी, 17 तो हो गए राइट। अब आ जाओ कहाँ पे, 23 और 24 पे। 23 कल हो गया था क्या? ठीक है, 25 से है, 24 से है। 24 का बी बगल में है, 24 भाई दिख रहा है। 25 का बी, बी फोर बॉय। 26 का डी, डी फोर दिल्ली। 27 का सी, 28 का बी, 29 का सी, 30 का डी, 31 का सीधा 32 है, अजय 31 आया नहीं है, 32 सी, 33, 33 का है बी फोर बॉय, 34 का बी, बी फोर बॉय, 35 का सी, 36 का बी, 37 सी, 38 का ए, 39 का है बी, बस 40 का डी, डी फोर दिल्ली। क्या आंसर आया? 22 सी में है। ओके, 40 का सी, 22 और है, 41 का सी, 42 सी, 43 सी, 44 बी, 45, 43 के बाद 50 का ए, 51 ए, 50 ए, 51 ए, 52 सी, 53, बस इतना ही है। तो कौन सा ऐसा है जो कॉमन है, सबको नहीं आया? 31 में, चलो देख लेते हैं अब, 31 देख लो पहले, 31, हाँ 31 का देख लो, कहीं से भी लॉजिक नहीं लग रहा है। मैं ऐसे में कोई रूल लगा ना, नीचे में कहीं नहीं लगा, लगा लिया एक बार, अब बड़ी बड़ी आंखों से देखो बोर्ड पे शायद लग जाए, 90% लग जाएगा आपका आंसर, ये भी हम कह रहे हैं 90% चांस है, 90% 10% है कि आप देखो ही मत, अदरवाइज आपको मिल जाएगा इसका आंसर। देखो मेरे को तो मिल गया, अब आपकी बारी है, बहुत ध्यान से देखो, या तो इधर के रूम में या इधर के, 90% मैं कह रहा हूँ कि 90% आपको मिल जाएगा। कुछ क्या प्रोग्राम करें इन दोनों के साथ, या कि ये आ जाए, या इन दोनों के साथ कि ये आ जाए, ये 12 लिखा है, और अगर कभी एक लाइन में ना मिले तो दूसरी लाइन भी ट्राई कर लेना चाहिए, कई बार दूसरी लाइन में मिल जाती है, 90% चांस है कि मिल जाएगा। देखो मैं कह रहा हूँ कि मिल जाएगा 90%। क्या 11 का दोगुना करते हैं तो कितना आता है, 6 का आधा करते हैं कितना आता है, और 22 का 3 कितने होते हैं, 11 का 2 प्लस 6 का आधा, यानी इसमें 2 का गुणा इसमें 2 का भाग, तो 11 दूनी 22 और 6 का आधा 3, कितना हो गया, 6 का दोगुना 6 दूनी 4 का, सॉरी 8 का आधा 4, तो 12 4 16, तो 5 दूनी 10 और 12 का आधा 6, 10 और 6 16, तो 31 का आंसर कौन सा बताया था,
तो तुम्हें सवाल नहीं दिख रहा है उतनी सोच में राइट 31 हो गया। और बताओ कहाँ समस्या है, एक आध कॉमन जो सबका दिक्कत में आया हो। 41 है, वैसे किसी ने बोला तो था 41, राजेश ने सी। लो भैया ने भी बोल दिया, कैसे बताओ। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला था 41, स्पष्ट दिख रहा है, जूम करके देखो। 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 लिखो साइड में, 4 लिखो। 25 का क्या होता है, 5 लिखो। 9 का क्या होता है, 3 लिखो। 4 का क्या होता है, 2 लिखो, सबको जोड़ दो। आ गया 14, फिर हो गया, भैया ने सही जोड़ा, आ गया, दिमाग लगाने से आ जाएगा। है कौन सा 26, अब और सारे नहीं, और तो तुम जो है 26 से पूछ लो, या फिर कौन सा पूछना है, 26 बताओ क्या क्या लिखा है इसमें। 26 कहाँ है, हाँ आपको आगे, इनको नहीं है। 13 54 क्वेश्चन मार्क, 7 45 32 ठीक है। हाँ देखो प्रथम रो में कुछ मिल रहा है, हल्का फुल्का देखो जरा, पहली वाली लाइन में मिल रहा है 26 में कुछ, 13 7 20 20 और 20 और 7 27 ऐसे मिल रहा है। एक मिनट, 54 है भैया, 45 45 नहीं है। आ गया 13 7 27 आ गया 54 45 144 बीच वाला दोगुना हो रहा है, 13 प्लस 7 2 14 तो 27 54 और 90 144 तो इधर 32 2 64 तो कितना होना चाहिए पता नहीं, तो बराबर में कितना है 68 घटा देंगे तो x बराबर में क्या है भाई। अरे ये तो बताया था यार 6 से भाग जा रहा है, 6 2 12 6 3 18 6 5 30 8 2 16 8 4 32 8 5 40 तो इधर ऐसी संख्या देखो जो सभी से भाग सभी में भाग चले यार, 9 9 4 36 9 2 18 9 3 27 ठीक है ना, 18 से जाएगा ना 6 से ना 12 से। आ जा इसकी पर जल्दी से फटाफट, कहाँ तक खत्म हो गए थे कल, कल कितने विद्रोह लग गए थे जहांगीर के प्रति, 2 कौन कौन थे, चलो तो बताओ पहले कौन बताएगा, खुसरो का विद्रोह क्यों हुआ और खुर्रम का क्यों हुआ, जहांगीर के प्रति जहांगीर के खिलाफ विद्रोह, मोस्टली 4 विद्रोह हुए, 1 2 3 4 खुसरो खुर्रम महावत था और बंगा, सबसे प्रभावी विद्रोह महावत का था, बाकी ये छोटे मोटे नहीं थे। खुसरो बता दो किसके ऊपर, हाँ क्यों,
अपना उत्तराधिकारी पत्रों को बनाया था। हाँ, किसका? अकबर यानी कि खुसरो के समर्थन में, पर ऐसा और कोई नहीं चाहता था। कौन नहीं चाहता था कि खुसरो को मिले? जहांगीर। कौन नहीं चाहता था? जहांगीर, राइट। क्योंकि वास्तविकता में कौन है? जहांगीर पुत्र है किसका? अकबर का। जबकि खुसरो कौन है? पोता। किसका? अकबर का। तो कौन है? जहांगीर का पुत्र। तो जब पुत्र जिंदा है तो पुत्र के पुत्र को कैसे मिल सकता है? तो खुसरो ने कहा कि हमें अकबर ने दिया था, और जहांगीर कह रहा है कि उत्तराधिकारी किसको बनाया जाता है? पुत्र को। तो हो गया खुर्रम। खुर्रम माने शाहजहां, राइट। और खुर्रम को यानी शाहजहां को किसका षड्यंत्र नजर आता था? नूरजहां। तो इसलिए उसने किसका आदेश मानने से मना कर दिया? जहांगीर। और इस कारण ही जहांगीर और खुर्रम के बीच में विद्रोह हो गया, राइट। अब महावत खां, हेडिंग डालो महावत खां, राइट। वैसे महावत खां कौन है? जहांगीर का सबसे प्रभावशाली सेनापति, यानी एक प्रभाव रखने वाला व्यक्ति है मुगल शासन में, ठीक। भरोसेमंद भी है। किसका? जहांगीर का। लेकिन महावत खां भी विद्रोह कर देता है। किसके वजह से? नूरजहां। नूरजहां का इंटरफेयर इतना बढ़ गया था कि महावत खां ने भी किसका विरोध कर दिया? फिर जहांगीर। और एक समय आया कि महावत इतना पावरफुल था कि उसने जहांगीर तक को बंदी बना लिया, राइट। यानी बादशाह शहंशाह को भी जो बना ले तो वो कितना प्रभावी व्यक्ति होगा, ठीक है। तो चलो लिखिए, महावत खां विद्रोह 1626। महावत खां जहांगीर का सबसे प्रभावशाली सेनापति था। महावत खां जहांगीर का सबसे प्रभावशाली सेनापति था, किंतु नूरजहां के हस्तक्षेप के कारण किंतु नूरजहां के हस्तक्षेप के कारण 1626 में उसने विद्रोह कर दिया, जो जहांगीर के समय का डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखो सबसे बड़ा विद्रोह, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, सबसे बड़ा विद्रोह था। नूरजहां ने 1626 में महावत खां को काबुल से हटाकर बंगाल का सूबेदार नियुक्त करवा दिया। ठीक है। तो 1626 में उसके साथ ये हुआ, एक तो क्या कि उसे हटा दिया, कहां से? काबुल से, ठीक। तो समझ रहे हो ना कि काबुल सबसे इम्पोर्टेंट जगह है, और काबुल से ही उसे हटा दिया। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, वो कहां चला गया? बंगाल, राइट। तो बंगाल में कुछ ज्यादा कुछ था नहीं, तो वहां पे भेज दिया ताकि कोई इम्पोर्टेंट काम ना कर पाए, क्योंकि काबुल से ही लाहौर और लाहौर से ही क्या चलता था? भारत। तो ये पूरा क्षेत्र था मुगल वास, भारत का दिल्ली, यानी जिसे अपन लोग आगरा का क्षेत्र भी कह सकते हैं। तो ये वाला क्षेत्र बहुत इम्पोर्टेंट था, तो उसे यहाँ से पटक के कहाँ रख दिया? कुछ नहीं कहा। लेकिन उसको समस्या तब, और मतलब क्रोध यहाँ पर था, पर तात्कालिक कारण नहीं मिल रहा था,
क्यों? क्योंकि ट्रांसफर तो चलते ही रहते हैं। जैसे अभी देखो मध्य प्रदेश में 75 आईपीएस बदले गए, दतिया के भी बदल गए, राइट। अमन सिंह राठौर थे एसपी, अब कोई और हो गया, राइट, नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो 75 एसपी बदल गए, राइट। अब 75 एसपी बदलना यानी बहुत बड़ी बात, ठीक, बदल गए। तो ऐसे ही सूबेदार वगैरह को बदलते रहते हैं। तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे क्रोध था। तो एक घटना और कर दी किसने? नूरजहां ने। नूरजहां ने एक तो इसको ट्रांसफर करवा दिया, दूसरा नूरजहां ने क्या किया कि किसका, महावत खां, महावत खां का जो दामाद था उसका बड़े दरबार में अपमान कर दिया और उसे अपमानित इतना हद तक किया कि वो आत्महत्या करने जा रहा था। जब ये बात महावत खां को पता चली फिर उसने विद्रोह कर ही दिया। चलो, इधर बीच या इसी समय महावत खां के दामाद बरखुरदार को अपमानित किया गया, ठीक। एक ये कारण मिल गया। अब देखो कारण मिलते जा रहे हैं, बस विरोध करने के कारण मिलते जा रहे हैं, राइट। एक ही नहीं कर सकता क्योंकि उसे संतुष्ट कर दिया जाता, बंगाल की जगह उसे कहीं और भेज देते। तो दूसरा विद्रोह और मिल गया, क्या कि उसके दामाद का। अब तीसरा और देखो, राइट, जो व्यक्ति किसी काम को करता है और पूरी निष्ठा से करता है, राइट, अब आप उस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं तो उसे अपमानित महसूस होगा कि नहीं होगा, राइट। यानी सबसे निष्ठावान व्यक्ति था महावत खां, सबसे बड़ा सेनापति था जहांगीर का, और इन्होंने कहा नूरजहां ने कि अब तीसरा कारण क्या दिया, अब आप हमें, ये सबसे बड़ा कठिन काम होता है क्या, खर्चा। अगर घर में कोई किसी से पूछ ले कि कितना खर्चा हुआ, कह रहे आग लग जाती है तो वही आग लग गई। अब इससे कहा कि तुमको जहांगीर ने भेजा था किसका विद्रोह दबाने के लिए, खुर्रम का, तो खुर्रम के विद्रोह दबाने में तुमने कितना खर्च किया बताओ। तो एक ट्रांसफर, दो दामाद का अपमान और तीसरा खर्चा। तो लिखो एक और आगे, कहां पे आगे थे भी, अपमानित किया तथा महावत खां को खुर्रम के विद्रोह को कुचलने का खर्चा बताने को कहा गया। महावत खां को खुर्रम के विद्रोह को कुचलने का खर्चा बताने को कहा गया। इन सभी बातों से नाराज होकर महावत खां ने विद्रोह कर दिया, राइट। चलो अब विद्रोह हो गया। अब विद्रोह के लिए किसकी आवश्यकता होती है? क्रोध। तो क्रोध तो है किसमें? महावत खां में। अब आप अपनी छत पे खड़े हो जाओ और आपको पता है कि आपका दुश्मन निकलने वाला है आपके घर से, और आप जो है ऊपर से बस पत्थर बरसाते रहो कि कभी तो आएगा, राइट। तो ये सही है, या कहीं पर भी खड़े होकर जब वो निकले तब पत्थर बरसाना है, तब निकले जब। तो क्रोध तो आ गया, लेकिन उसको हथौड़ा कब मारना है ये उसे पता था। तो उसने कहा कि आगरा में या लाहौर में या कहीं पर भी, यानी जहांगीर को कहां नहीं पकड़ा जा सकता, किले के अंदर, यानी जब तक वो सेना के बीच यानी कि ताज पर बैठा है तब तक उसको पकड़ा नहीं जा सकता। तो उसने कब, कौन से समय का इंतजार किया? जब जहांगीर ने कहा किले या दुर्ग से बाहर कदम रखा, बस। और उसका इरादा जहांगीर से नहीं था, क्योंकि आज भी वो कैसा है, निष्ठावान। उसका समस्या कौन थी? नूरजहां, ये थी। और फुल फैमिली के साथ निकला, जहांगीर भी पूरी फैमिली के साथ, नूरजहां को भी ले गया, चलो तुम्हें घुमा के लाते हैं, खुद भी जा रहा है, बच्चों को भी ले जा रहा है। अब ऐसे में क्या करेंगे दुश्मन, हमला। तो देखो 1626 में
और लेकिन देखो होता क्या है कि जब हम अच्छी मछली मछली को फंसाने के प्रयास करते हैं तो क्या नहीं फंसती अच्छी वाली, और फंसता क्या है छोटी, या फिर केकड़ा फंस जाए आपके, राइट। आपने जाल डाला कि आज तो मछली की सब्जी बनेगी, चलो पकड़ के लाते हैं, और फंस गया केकड़ा, अब क्या उसके कांटे खा लोगे? फिर कई लोग खा लेते, खा लेते होंगे। देखो 1626 में जहांगीर कश्मीर से काबुल जाने के लिए, कश्मीर से काबुल जाने के लिए झेलम नदी को पार कर रहा था, झेलम नदी को पार, तब राइट बस एक चूक हो गई इससे कि नूरजहां भाग गए, और कौन फंस गया? जहांगीर। अब जहांगीर को तो जो वैसे ही अपना मानता था, तो उसके साथ क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, बेटर रहेगा ठीक है भाई, अपनी प्रॉब्लम सुना देगा। फंसाना किसको था? नूरजहां, और भाई भाग गए, राइट। तो लिखो जहांगीर के अतिरिक्त नूरजहां आसफ खां याद है कौन है? नूरजहां का भाई आसफ खां। तो नूरजहां, आसफ खां और शहरयार जानते हैं कौन था? दामाद। किसका? नूरजहां का। किसका पति? हाँ, लाडली बेगम का। तो लिखो नूरजहां, शहरयार, आसफ खां ने नदी को पार कर लिया, जबकि जहांगीर शेष रह गया। ओके, महावत खान ने, उसे पता नहीं था कि ये लोग निकल गए, राइट, क्योंकि शाही जो सवारी होती है वो तो पूरा एक साथ टोला चलता है। तो महावत खान ने शाही दल को घेर लिया और जहांगीर को अपने नियंत्रण में ले लिया, जहांगीर को अपने नियंत्रण में ले लिया। नूरजहां और आसफ ने जहांगीर को बचाने का असफल प्रयास किया, राइट। तो ये भी एक कहानी है कि जब घर के मुखिया को पकड़ लोगे तो फिर बचाने के लिए तो आएंगे ही बाकी के लोग, तो आ गए बचाने के लिए और फिर पकड़े गए। तो लिख लो, और महावत खान ने इन्हें भी बंदी बना लिया, राइट। तो जहांगीर को पकड़ा और इन दोनों को ये बचाने आए, तो इन्हें भी क्या कर लिया? बंदी बना लिया। अब उसका केवल इतना ही काम था कि ऐसे है कि बिना जहांगीर के चलेगा नहीं, तो उसने क्या किया, जहांगीर को मुक्त तो रहने दिया पर इन दोनों को नजरबंद दिया। किसको? नूरजहां को, ठीक है, जहांगीर को स्वतंत्र कर दिया, ठीक। जहांगीर स्वतंत्र है लेकिन जहांगीर जानता है कि वो नियंत्रण में किसके है? महावत खां, क्योंकि महावत खां ने उसको पकड़ लिया। तो जहांगीर फ्री है पर नियंत्रण अभी भी किसका है? महावत खां। और इन दोनों को क्या कर दिया? आसफ खां और नूरजहां को नजरबंद। लेकिन इसको कौन नजरबंद करेगा? कर पाएगा कोई? नहीं। तो लिखो, नजरबंद रहते हुए भी नूरजहां ने सभी अमीरों को अपने पक्ष में मिला लिया,
सभी अमीरों को अपने पक्ष में मिला लिया और षड्यंत्र पूर्वक महावत खां को भागने पर मजबूर कर दिया। महावत खां ने क्षमा मांग ली, जहांगीर से क्षमा मांग ली राइट। तो ये इसका विद्रोह था किसका? महावत खां, जान रहे? तो खास तौर पे तीनों ही विद्रोह अभी तक के किसके वजह से हुए हैं? नूरजहां, खुसरो का भी, खुर्रम का भी और महावत का। ठीक है, खुसरो का विद्रोह क्यों नूरजहां से जोड़ा गया? क्योंकि कहीं ना कहीं नूरजहां ने ही जहांगीर को प्रेशराइज किया कि तुम्हारे होते हुए तुम्हारा पुत्र राजा कैसे बन सकता है, राइट? खुर्रम को तो किया ही किया है और महावत खां को भी डिस्टर्ब कर दिया थोड़ी देर के लिए, राइट? तो वो भी अब है, लास्ट है बंगाल। बंगाल का ऐसा कोई खास विद्रोह नहीं है, बंगाल का लिख लो, बंगाल का छोटा सा है। बंगाल में विद्रोह की परंपरा रही है अकबर के समय से ही, यहाँ विद्रोह होते रहे हैं। लिखो, परंपरा रही है, क्या लिखवाया? हाँ, अकबर के समय से यहाँ विद्रोह होते रहे हैं। 1606 में शेरे अफगान ने 1606 में शेर ए अफगान ने कौमा 1612 में उस्मान खान ने विद्रोह किया। बंगाल के गवर्नर 1612 ही वाला लिखना है अपन को, बंगाल का विद्रोह है ना, हेडिंग डलवाई थी कल परसों। बंगाल में विद्रोह कब हुआ था? 1612 में। तो 1612 में किसने विद्रोह किया था? उस्मान खां तो केवल लीडर था। क्या लीडर? वास्तविक कौन था? वास्तव में अफगानों में जो विद्रोह की नीति हमेशा से रही है मुगल के प्रति, वही नीति, लीडर कौन बना था? अफगान लीडर था कौन? उस्मान खां। तो उस्मान खां था लीडर अफगानों का। तो 1612 में उस्मान खां के नेतृत्व में अफगानों ने विद्रोह किया। फिर क्या हुआ? मुगल सेना का गवर्नर था कौन? इस्माइल खां। तो मुगल सेना के गवर्नर इस्माइल खां ने उस्मान खां की हत्या कर दी। बंगाल के गवर्नर या मुगल गवर्नर इस्माइल खां ने उस्मान खां की हत्या कर दी और विद्रोह का दमन किया, राइट? अब यहां से एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है, वो है क्या? वो लाइन लिखो, उस्मान खां अंतिम अफगान था। इसको डबल इनवर्टेड कॉमा में या मोस्ट में लिख लेना, ओके? अंतिम अफगान था जिसने विद्रोह किया। इसके बाद अफगानों की हिम्मत नहीं हुई कि वो विद्रोह कर सकें, तो अंतिम अफगान था, ठीक है? अब इसमें एक और लाइन है, जहांगीर ने अफगानों को
क्षमा कर दिया और उन्हें उच्च राज पदों पर बैठाया। जहांगीर ने अफगानों को क्षमा कर दिया और उन्हें उच्च राज पदों पर बैठाया। ओके, अब बस थोड़ा सा और रह गया जहांगीर, और बस उसकी क्या करवा देनी है अब, मृत्यु। तो जहांगीर की मृत्यु के पहले दो अलग पॉइंट हैं, क्या कि आपको पहले ये देखना है कि टाइम कौन सा है। देखो देखो, जहांगीर वा यूरोप वासी। ओके, तो जहांगीर वा यूरोप वासी में ये है कि कौन कौन से यूरोपीय है। तो लिखो, नंबर एक पुर्तगाली और नंबर दो अंग्रेज। ठीक है, तो पुर्तगाली 1498 में आए थे, यानी क्या अकबर के टाइम के टाइम, बाबर अकबर के टाइम। लेकिन हुआ क्या कि इनको बढ़िया से शासन करने को भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन इन्होंने हरकत क्या की, इन्होंने जिस थाली में खाया उसी में छेद, यानी क्या शाही जहाज को ही लूट लिया, आपके ही घर में ले रहकर आपके ही घर को लूट लिया। राइट, तो शाही जहाज को लूटेंगे तो जहांगीर शांत बैठेगा नहीं, तो फिर इसने इनको सबक सिखाया। तो लिखो पुर्तगाली के बारे में, देखिए भारत व पुर्तगाल के संबंध 1498 में वास्को डी गामा के आगमन के साथ प्रारंभ हुआ। भारत व पुर्तगाल के संबंध 1498 में वास्को डी गामा के आगमन से प्रारंभ हुआ। वास्को डी गामा के आगमन से प्रारंभ हुआ, ये तो हो गया। अब इसके बाद क्या है, पुर्तगाली मोस्टली कहाँ रहते थे, केरल में रहते थे, गोवा। लिखो पुर्तगाली मुख्यतः गोवा में कार्यरत थे। ठीक, अगला लिखो, जहांगीर ने, ये इंपॉर्टेंट लाइन है बॉस, याद रखना, पेपर में आया है। जहांगीर ने पुर्तगालियों को आगरा और लाहौर में चर्च, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पेपर में दम से आता है, आगरा और लाहौर में चर्च स्थापित करने की स्वतंत्रता दी। तो ये पूछा गया था कि किसने दी है चर्च बनाने की आज्ञा पुर्तगालियों को, जहांगीर। आगे लिखो, 1613 में सूरत के निकट पुर्तगालियों ने शाही जहाज को लूट लिया। जहांगीर ने इनके प्रति कठोर नीति अपनाई और इनसे सभी सुविधाएं वापस ले ली। राइट, तो ये तो उसी समय चले जाते अगर जहांगीर थोड़ा सा कठोर हो जाता, सभी सुविधाएं वापस ले ली। किंतु पुर्तगालियों ने क्षमा मांग ली हेडिंग डालो अंग्रेज
अंग्रेज से दम से क्वेश्चन आता है, तो अंग्रेज जब पढ़ाएंगे, सुनो, अंग्रेज जब पढ़ाएंगे तब डिटेल की बात होगी, अभी छोटी छोटी बात है, क्योंकि ये किसका काल है, जहांगीर, जहांगीर के घर में अंग्रेजों को ज्यादा नहीं इंटरफेयर करवा रहे, जब अंग्रेज पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अभी लिखो, अंग्रेज के समय में पुर्तगालियों के समान अंग्रेज भी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। पुर्तगालियों के समान अंग्रेज भी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। 1600 समय अकबर का है, 1600 में कोष्टक में लिखो अकबर के समय, कोष्टक बंद, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, व्यापारिक सुविधाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अलग से लिखना पूरा, व्यापारिक सुविधाओं के लिए 1608 में 1608 में 1608 में विलियम, नाम सुना होगा, विलियम के आगे कौन है, वेंटिक हो गए, अभी क्या गवर्नर चल रहे हैं क्या, कि वायसराय चल रहे हैं, विलियम हॉकिंस, हॉकिंस, विलियम हॉकिंस, ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में, जेम्स प्रथम के दूत के रूप में हेक्टर नामक जहाज, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चाहूं तो ना लिखाऊं लेकिन सब पेपर में आया है, हेक्टर नामक जहाज से सम्राट अकबर के नाम पत्र लेकर, देखो एक फिर से आगे इंपॉर्टेंट लाइन है, पूरी राइट, जेम्स प्रथम का कौन थे, जेम्स प्रथम ब्रिटेन के राजा, तो ब्रिटेन के राजा थे, इनके मैसेंजर कौन बन के आया, विलियम हॉकिंस, किस जहाज से आया, हेक्टर, और किसके नाम पत्र लेके आया, ये पेपर में पूछा जाता है, पत्र किसके नाम लेकर आया, तो अकबर के नाम पत्र लेके आया। अब ध्यान दो, अकबर था क्या 1608 में, 1608 में था नहीं, 1605 से शासन किसने ले लिया था, जहांगीर ने, तो अकबर तो पहले ही निपट गया राइट, फिर भी वो किसके नाम पत्र लेकर आया, अकबर के नाम, अब अकबर के नाम लेके आएगा पर गद्दी पर कौन बैठा है, जहांगीर राइट, तो लिखो अकबर के नाम का पत्र लेकर बादशाह जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ, ठीक है। अब अगर ये अकबर के समय आया होता, तो अकबर के समय आया होता और जहांगीर के सामने पेश होता, तो जिंदा बचता ये नहीं, क्योंकि अकबर और जहांगीर के बीच में कैसा आंकड़ा चलता था, 36 का राइट, और अगर गलती से वो कह देता, देखो तुम्हारे पिताजी के नाम कार्ड लेके आए लेकिन तुम्हारे पास, उसी समय जहांगीर उड़वा देता इसको तोप से, लेकिन नहीं, तब आया जब अकबर मर चुका है, और मरने के बाद बुरा इंसान भी कैसा हो जाता है, अच्छा, तो जहांगीर ने कुछ नहीं कहा और प्रसन्न और हुआ कि अच्छा अकबर के नाम से लाए हो, ठीक, तो तुम्हें क्या देते हैं, इनाम, तो चार, अच्छा पहले एक और लाइन, हॉकिंस के बारे में लिखो, हॉकिंस तुर्की और देखो अंग्रेज है तो अंग्रेजी बोलेगा, लेकिन उसे इम्प्रेस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग राइट, जब कोई भी व्यक्ति को इम्प्रेस करना होता है
तो वैसे ही काम करते हैं जैसा वो चाहता है। तो उसने क्या है, हॉकिंस को क्यों भेजा, ये सब चाल थी अंग्रेजों की, ये चाल थी। हॉकिंस की जगह कोई और भी आ सकता, लेकिन हॉकिंस जो है कौन सी भाषा बोल लेता था, तुर्की और फारसी। और जब कोई आपको भी पराए देश में या पराए जिले में या जहां आप पढ़ रहे हो वहां पर अगर आपको अपने क्षेत्र का कोई व्यक्ति मिले तो कैसा लगता है, थोड़ा अच्छा फीलिंग आती है। तो ऐसे ही तुर्की और फारसी बोली अंग्रेज ने तो ये और प्रसन्न हो गया। तो लिखो, हॉकिंस तुर्की और फारसी भाषा का ज्ञाता था। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा 400 का मनसब, मनसब जानते हैं ना इलाके, 400 का मनसब और 400 का मनसब दे दिया और फिरंगी या इंग्लिश खां, बोर्ड पे लिखा है फिरंगी या इंग्लिश खां की उपाधि दी, उपाधि दे। इसके बाद कई अन्य अंग्रेज अफसर भी जहांगीर के दरबार में आए। हाँ शिवानी, अन्य अंग्रेज अफसर भी जहांगीर के दरबार में आए। 1615 में थॉमस रो सर थॉमस रो, जिसका नाम सुना होगा, सर थॉमस रो पादरी एडवर्ड टेरी के साथ, एडवर्ड टेरी के साथ, ये विद्वान है, थॉमस रो एक विद्वान है, एडवर्ड टेरी के साथ जहांगीर के, हाँ टेरी के साथ जहांगीर के अजमेर स्थित दरबार में उपस्थित हुआ। ठीक है, तो थॉमस रो भी एक चालाकी के थ्रू आया था, राइट। तो थॉमस रो भी उस समय अजमेर में आया और अजमेर में किसके साथ आया था, पादरी के साथ, यानी चर्च खोलने की परमिशन किसने दी थी, जहांगीर। और जो चर्च का पुजारी जिसे कहते हैं वो कौन होते हैं, पादरी। तो इनके साथ उपस्थित हुआ। अब जहांगीर चूंकि सम्मान करता था तो इन्हें मना भी नहीं कर पाया और थॉमस रो ने चालाकी से किसकी परमिशन ली, यही लाइन इंपोर्टेंट है, इसकी सबसे अंतिम लाइन लिखो, सर थॉमस रो ने, पूरी लाइन इंपोर्टेंट है, थॉमस रो ने ही सर्वप्रथम जहांगीर से, सारी लाइन इंपोर्टेंट है, पेपर में आया है, फिर आप मेरे से मत कहना कहां लिखवाया है, मैंने कह दिया, चाहे आप इसको कितना भी हेडलाइन बना लो, अंडरलाइन करो, कैसे भी लिखो, थॉमस रो ने सर्वप्रथम जहांगीर से सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा प्राप्त की थी। आता है ना पेपर में, राइट, ये वाली बहुत आता है, मैंने कई बार देख लिया, अब आप समझो आपको क्या करना है, राइट, दम से आता है कि कहां, किसने, कब, परमिशन किसने दी, परमिशन किसने ली, किस दरबार में ली और कहां पर स्थापित करने की परमिशन ली। अब बस हेडिंग डाल दो, जहांगीर की मृत्यु 1627 में, आजी 1627 में जहांगीर कश्मीर से लाहौर जा रहा था, तब रास्ते में 28 अक्टूबर 1627 को
28 अक्टूबर 1627 को भीम बार नामक स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई ओके कहाँ मृत्यु हुई? भीमबार नामक स्थान पर। ठीक है, कहाँ जा रहा था? कश्मीर से लाहौर। तो अब लिखो अगली इंपॉर्टेंट लाइन है, जहांगीर को लाहौर में, सब इंपॉर्टेंट है, जहांगीर को लाहौर में रावी नदी के तट पर स्थित सहादरा, पेपर में आता है सहादरा, रावी नदी के तट पर सहादरा नामक स्थान पर दफनाया गया। खत्म। ओके, तो कहाँ दफनाया गया? सहादरा में। किस नदी के तट पर है? रावी नदी। कहाँ पर है? लाहौर में। खत्म कहानी। मैथ पे आ जाओ।